हेलो एवरीवन आज हम आपके लिए और कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स चैप्टर को बेस करके यहाँ पे वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर अटेंड करना है इस सेशन में मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चंस हर क्वेश्चन के बाद

तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक दैट इंक्रीजेस द सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी ऐसा कौन सा टेक्निक है जो यूज करते हैं हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जल्दी सेलेक्ट कीजिए टाइम खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू अभी आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है क्वेश्चन नंबर टू है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स आर इजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम्स ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूट इच जॉब फास्टर ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम ऑप्शन नंबर डी आर यूज ओनली ऑन लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जल्दी सिलेक्ट कीजिए

टाइम खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है ऑप्शन नंबर बी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम

टाइम खत्म हो चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है क्वेश्चन नंबर सेवन है द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स इन ए सिंगल यूजर सिस्टम इज नोन एज कंकरेंट एग्जीक्यूशन मीन्स अगर मल्टीपल नंबर ऑफ जॉब्स को हम एक ही बार में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं एक सिंगल यूजर सिस्टम में तो वहां पे उस तरह के सिस्टम को हम किस तरह का सिस्टम बोलेंगे चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जल्दी सिलेक्ट कीजिए टाइम खत्म हो चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है क्वेश्चन नंबर एट है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड ए प्रोसेस इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम हमारे प्रोसेस को इजियर या फिर फास्टर करने के लिए क्या करते हैं प्रोसेस को मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जल्दी सिलेक्ट कीजिए टाइम खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी मल्टी थ्रेडिंग

चार ऑप्शन यहां पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जल्दी सिलेक्ट कीजिए टाइम खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइम शेयरिंग तो दस क्वेश्चंस इस सेशन के खत्म हो चुके हैं तो दस में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ काउंट कीजिए और काउंट करके हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि हम जान सकें आपका 10 में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही हो फिर अगले सेशन में ऐसे और कुछ एमसीक्यूज हम आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू